नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीएस इनोवेशन जीएस सेंटर पर। मैं अरुण शुक्ला। आज का जो विषय है हमारा वो कारक से जुड़ा हुआ है। कारक, आज हम आपको कारक की वे चीज़ें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी पढ़ी नहीं होंगी। देखिए, किताबों की बात अलग होती है। किताबें ट्रेडिशनल होती हैं, एक फॉर्मेट पे लिखी होती हैं, एक आपको सूचनाएँ देती हैं, समझाती नहीं है। एक शिक्षक में पुस्तक में क्या फ़र्क है अगर कोई पूछ ले तो? पुस्तक हमें सूचना देती है, वो समझाती नहीं है। किसी सवाल का ये जवाब आया, उसमें लिखा है, काहे के लिए आया, किताब थोड़ी बताएगी आपको। तो कारक का बेटा देखो, कारक का मतलब होता है, कार माने क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, जितनी बढ़िया संधि विच्छेद आपको आती होगी, जैसे अंग्रेजी पढ़ते हो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? करेक्ट स्पेल्ड। किसी शब्द की आपको उचित स्पेलिंग आनी चाहिए, सबसे पहली शब्द है। फिर क्या होता है, वर्ड मीनिंग, शब्दों का अर्थ पता होता है, यानी हमें करेक्ट स्पेलिंग किसी भी चीज़ की आती है और शब्द का अर्थ आता है। अब ना स्पेलिंग आती है ना ही अर्थ आता है, डायरेक्ट तुम ट्रांसलेशन कर रहे हो, कहाँ से कर लोगे? तो इसी प्रकार से हिंदी में उचित वर्तनी और शब्द का अर्थ, ये आती संधियों से। तो कारक माने कार, जैसे कहते हो कार सेवा, सेवा के भाव से किया गया काम, कहते तो बेकार यानी कोई काम नहीं। तो कार माने काम, और आगे लिखा अक यानी कार को, कार्य को करने वाला। तो कारक का मतलब होता है काम को करने वाला। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कारक कर्ता होता है, और कर्ता का भी ध्यान रखिएगा, हम लोग उत्तर भारत के हैं और उत्तर भारत के लोग ज़्यादातर बहुत से शब्द बोलते ही नहीं, इसलिए उनकी वर्तनी गलत हो जाती। कर्ता शब्द नहीं, करत्ता होता है, लेकिन हम लोग कर्ता बोलते हैं। ध्यान, एक आधा था एक पूरा था लगता है, करत्ता। जैसे आपको एक बताऊं, उत्तर भारत के लोग देवनागरी वर्णमाला का कौन सा स्वर नहीं बोलते, चलिए आपको बता देते हैं कि उत्तर भारत के लोग री स्वर को बोलते ही नहीं। शब्द से गृह होता है, मृग होता है, कृषि होता है, हम लोग कहेंगे कृषि, मृग, ग्रह। जबकि वो रा लगता है, री होता है, तो री का उच्चारण हम लोग रा की तरह करते हैं। अगर ये ग्रह लिखा है और ये ग्रह लिखा है, क्योंकि नक्षत्र है, घर है, लेकिन हम दोनों का उच्चारण ग्रह करेंगे, गृह नहीं लिखे करेंगे उच्चारण। खैर, उच्चारण कुछ भी करो, समझ में आपको आ जाना चाहिए। तो कर्ता का भी मतलब होता है कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। अभी दोनों काम करने वाले कैसे हैं? कारक का मतलब भी काम करने वाला, कर्ता का मतलब भी काम करने वाला। ध्यान रखिए, कारक क्या काम करता है, परिभाषा हो जाएगी कारक की। कारक संज्ञा या सर्वनाम होते, ध्यान रखिए, कारक या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। कारक शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने का काम करते हैं, जबकि कर्ता वाक्य में क्रिया को संपन्न करता, ये फर्क है। अब देखो, जैसे हमने लिखा राम, रावण, वाण, मैदान, मारा, ये सब क्या है? ये शब्द हैं। इन शब्दों को जोड़ेगा कौन, वाक्य कौन बनाएगा? इन शब्दों को जोड़ने का काम कारक करेंगे, तभी वाक्य बनाएगा। अब यह राम ने रावण को वाण से मैदान में, अब ये क्या, ने को से में क्या है, ये कारक चिन्ह है। तो कारक शब्दों को जोड़कर उन्हें वाक्य बनाते हैं। अब राम ने रावण को बाण से मारा, अब ये वाक्य बन गया। तो आज आपको पता चला कि कारकों का व्याकरण में क्या काम है। कारकों का मुख्य काम है शब्दों को जोड़कर उन्हें वाक्य का रूप दे देना, ठीक है? तो ये काम करते हैं कारक। अब कारक में एक और खास चीज आती है जिसे कहते हैं कारक चिन्ह। एक तो समझ लो, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, हम आपको हिंदी वर्णमाला जब पढ़ाएंगे बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, व्यंजन, गोलीय व्यंजन और खड़ी पाई वाले व्यंजन। अगर गोलीय व्यंजन आधा हो और खड़ी पाई वाला व्यंजन पूरा हो तो जोड़ के लिखा जाता है, तभी उसे शुद्ध वर्तनी कहा जाएगा। तो कारक चिन्ह, इन्हीं को परसर्ग भी कहते हैं और इन्हीं को विभक्ति भी कहते हैं।
विभक्ति, क्या इन चीजों में फर्क है, यही आज का मूल विषय है। ये चीज ऐसे आप समझ लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। वैसे भी हिंदी सीख लो, पढ़ो नहीं हिंदी को, ये मुख्य चीजें होती हैं। अब देखिए, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि कारक में जो ने पर मे है, इनको चिन्ह क्यों कहते हैं? चिन्ह मान निशान या संकेत होता है, यानी कर्ता का नेक संकेत है और वे संकेत बदल भी सकता है, ये भी ध्यान रखेगा। इन्हें क्या कहते हैं? परसर्ग। और इन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति। यानी कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। फर्क बेटा बहुत कायदा समझिएगा, क्या है परसर्ग और क्या है विभक्ति। पहले मैंने आपको बता दिया कारक या तो संज्ञा होते हैं और या कारक सर्वनाम होते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा तो राम क्या कर्ता कारक है, राम क्या संज्ञा है, तो या तो संज्ञा सर्वनाम होते हैं। अब देखो, जिस प्रकार किसी शब्द से जो पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और ये शब्द के बाद लगता है, शायद इसीलिए इसे परसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय भी होता है और उपसर्ग का विलोम परसर्ग भी होता है, जो विकल्प में दिया हो। परीक्षा में ध्यान रखिएगा, चार विकल्प दिए होते हैं, उन्हीं में से कोई सही, चारों गलत हैं तो सबसे गलत कौन है, और चारों सही है तो सबसे सही कौन है, इस पर ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, अगर संज्ञा के साथ है तो विभक्ति है, ध्यान दो बेटा। जैसे राम ने, राम क्या है? कर्ता कारक है, राम संज्ञा है और ने अलग से लगा हुआ है, यानी विभक्त, विभक्त है, अलग है। अब देखो, अगर हमने लिखा हम ने, तो हम क्या है? सर्वनाम है, यहाँ भी ने जुड़ा है, ये सर्वनाम है, इसे साथ में जुड़ा है, अब इसे परसर्ग कहोगे। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा के साथ जो आता है, संज्ञा के साथ जो आता है उसे विभक्ति कहा जाता है और जो सर्वनाम के साथ आ जाता है उसे हम परसर्ग कहते हैं। इसे संश्लिष्ट और श्लिष्ट भी कहा, श्लिष्ट माने जुड़ा हुआ, संश्लिष्ट संश्लिष्ट जुड़ा है और विश्लिष्ट भी कह दिया जाता है, अलग अलग या ये। तो मूल रूप से ध्यान रखेंगे, संज्ञा के साथ आया हुआ कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह है और सर्वनाम के साथ कारक का आया हुआ चिन्ह जो है वो परसर्ग कहलाता है। तो क्या है परसर्ग, क्या है विभक्ति और क्या है चिन्ह, ये चीजें क्लियर की गई। कर्ता का चिन्ह ने है, जरूरी नहीं ने आए, ये बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो इसी प्रकार आप सबका सहयोग बना रहे, जितना लाइक और जितना भी आप उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद।